हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन क्लब टिप्स चैनल पर। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि सारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलता रहे। और इस चैनल पे मैं रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, जाके चेक करो यार, बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे। और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करो और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है जब कोई समझाने से ना समझे तो क्या करें। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, ताकि आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक मोड़ आता है या फिर ऐसी एक सिचुएशन ज़रूर आता है जहाँ पे हम किसी को कुछ समझा रहे होते हैं, और वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, चाहे वो हमारा फ्रेंड्स हो, या फिर चाहे वो कोई रिलेटिव हो। तो जब ऐसा होता है हमारे साथ कि हम मानो किसी को कुछ समझा रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, या फिर आप ये करो, ऐसे आप करोगे तो बेटर होगा, और अगला जो इंसान है जिसको हम समझा रहे हैं वो हमें हल्के में ले रहा है या हल्के में ले रही है, उसको लगता है कि ये तो पागल है, ये बड़बड़ बड़बड़ करेगा या करेगी, इसके जो बातें हैं, जो भी बक रहा है या बक रही है, ये एक निहायत ही बकवास है, और इसको बोलने दो, हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही हम सोच नहीं पाते। उस टाइम पे हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि हम क्लूलेस हो जाते हैं, एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें, इसको कैसे समझाएं। तो मेरी यहाँ पे एक ही सलाह है कि देखो यार, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जगाने की कोशिश करोगे जो ऑलरेडी सोया नहीं है, ठीक है, जो सोया है उसको तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो जग जग के सो रहा है उसको तो आप जगा नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे भी बात ऐसी ही हो जाती है कि जिसको समझना नहीं है, जैसे कि उसने मान लिया है कि मुझे तो समझना नहीं है, चाहे ये मुझे कितना भी समझाए, कितना भी मुझे समझाने की कोशिश करे, मुझे समझना नहीं है, क्योंकि उसने एक ऑलरेडी अपना माइंडसेट बना के रखा है कि मैं तो बस यही करूँगा, या फिर मैं तो बस यही करूँगी, इसका है जो लेक्चर, ये कुछ दिन का, कुछ घंटे का, कुछ महीने का, कुछ साल भर का है, तो इसको अपना जो बकवास है उसको बकने दो, मुझे घंटा ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसने ऐसा ठान के रखा है। और कोई इंसान होता है जो समझ नहीं पा रहा है, उसको आप समझा सकते हो, जो ना समझ है उसको आप समझा सकते हो, लेकिन जो जानबूझ के नहीं समझना चाहता है या नहीं समझना चाहती है, उसको आप नहीं समझा सकते। आपने एक बार समझाया प्यार से, अच्छे बातों के साथ, ठीक है, जो भी आपका बस है, जो जितना आप कर सकते हो, जितना अच्छी तरीके से आप समझा सकते हो, आपने एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, लेकिन उसके बाद आप क्या बोलोगे उस इंसान को? आपका जो टाइम है वो सिर्फ आप वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो इंसान जिसको आप समझा रहे हो ना, उसके लिए आपका जो समझाना है वो निहायत ही बकवास है। तो ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश जो आप अभी तक जारी रखे हो, इसको आप छोड़ दो, क्योंकि आपने ठेका नहीं लेके रखा है। अब कोई कोई ये सोचेगा या सोचेगी कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझाना। हाँ ठीक है, मानते हैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझाना, लेकिन एक लिमिट तक ना। अब पूरी ज़िंदगी भर तो आप किसी को नहीं समझा सकते, जो बेसिकली समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको आप कैसे समझाओगे? तो तीन बार आप समझाओ, जितना हो सके अच्छे तरीके से आप समझाओ, उसके बाद आप मत समझाओ, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ना वक्त के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ होती है, टाइम जो होता है ना, ये बहुत कीमती चीज़ होती है, ये बहुत सारी चीज़ों को खुद ही सॉल्व कर देता है, जिसको आप लाख एफर्ट लगा के भी नहीं कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा ठेका लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को जो आपके हाथ के अंदर से छूट रहा है या फिर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसको छोड़ दो, जाने दो, टाइम से सब कुछ सही हो जाएगा।
इसलिए बोल रहे हैं कि मत समझाओ, जिसको समझना है या समझनी है वो खुद ब खुद समझेगा या समझेगी, जिसको नहीं समझना वो कभी नहीं समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फालतू का एफर्ट डाल के, अपना टाइम वेस्ट करके, अपना एनर्जी वेस्ट करके, खुद को पागल बना के, डिप्रेशन में जाके, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जिसके लिए आप इतना एफर्ट डाल रहे हो उसको तो समझना ही नहीं है, तो मत एफर्ट डालो, ठीक है। कोई कोई होता है ऐसा जो ठोकर खा के सीखता है या सीखती है, तो खाने दो ठोकर, खुद ब खुद उसको अकल आ जाएगा या आ जाएगी कि आपका जो एडवाइस था उसके लिए कितना वैल्यूएबल था। तब उसको पता चलेगा आपका कदर, वो तब आपको रिस्पेक्ट करेगा या रिस्पेक्ट करेगी, तब उसको आपकी कदर पता चलेगा। तो जाने दो, टाइम के ऊपर छोड़ दो और बोलो जय राम जी की, मैंने बहुत समझा लिया आपको, अब जो मर्जी करो, ठीक है।